24 हर हिंदुस्तानी का चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चार धाम की यात्रा को रोक दिया गया है। उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश और भूस्खलन की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल केदारनाथ में 16 जून को जो सैलाब आया था, उससे पहले भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी, लेकिन प्रशासन ने लापरवाही बरती। इस बार हालात नहीं बिगड़े, इसके लिए अभी से प्लान तैयार किया जा चुका है। पिछले साल केदारनाथ में आए तबाही के निशान बाकी हैं। सैलाब ने केदारनाथ के रास्ते को ऐसा तहस नहस किया कि वो आज तक दुरुस्त नहीं हो पाए। अब ऐसे में फिर से भारी बारिश की चेतावनी की वजह से उत्तराखंड सरकार और स्थानीय प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। प्रशासन भारी बारिश और उसके बाद के हालात से निपटने के लिए मुस्तैद हो चुका है। अगले 48 घंटे में भारी बारिश की वजह से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए प्लान तैयार हो चुका है। एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात। अगले 48 घंटे के दौरान उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स ने कमर कस ली है। एनडीआरएफ की 5 अलग अलग टीमें 5 जगहों पर तैनात की जा चुकी हैं। सोनप्रयाग, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, अल्मोड़ा और तराली में एनडीआरएफ की टीमें अपनी अपनी जगह ले चुकी हैं। जब भी पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश होती है तब लैंडस्लाइड जरूर होता है। लैंडस्लाइड की वजह से सड़कों पर सबसे ज्यादा मार पड़ती है। सड़कें टूटने की वजह से कई इलाकों का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट जाता है। लिहाजा हर 10 किलोमीटर पर बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीमें तैनात हैं। बीआरओ की टीमें लैंडस्लाइड की आशंका वाले इलाकों में तैनात की गई हैं। भूस्खलन और आपातकाल में बीआरओ की टीमें सड़कों की मरम्मत करेंगी। सभी टीमें रोड बनाने वाली मशीनों और दूसरे साजो सामान से लैस हैं। पिछले साल जब 15 जून को केदारनाथ में सैलाब आया था तो हजारों की तादाद में लोग फंस गए थे, क्योंकि सड़कें टूट गई थी, लगातार बारिश हो रही थी। ऐसे में लोगों को निकालना मुश्किल हो रहा था। तो उत्तराखंड में तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं ताकि किसी भी तरह के आपदा से लोगों को बचाकर बाहर निकाला जा सके।